नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारतीय वायुसेना ने एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड का किया निर्माण। ऊंचाई वाले क्षेत्रों से संक्रामक रोगियों को निकालने में होगा फायदा। CSIR और अटल इनोवेशन मिशन आए साथ, देश में उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने पृथक परिवहन या आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड का डिजाइन, विकास और निर्माण किया है। इसका उपयोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों, अलग थलग स्थानों और दूर दराज के क्षेत्रों से COVID-19 सहित गंभीर संक्रामक रोगियों को निकालने के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करते हुए कहा कि इस एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड को बनाने में केवल स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इसके निर्माण में एविएशन प्रमाणित सामग्री का उपयोग करके इसे हल्के आइसोलेशन सिस्टम के रूप में विकसित किया गया है। इसमें रोगी को देखने के लिए एक पारदर्शी और टिकाऊ उच्च गुणवत्ता वाली प्लास्टिक सीट लगाई गई है, जो मौजूदा मॉडलों की तुलना में बेहतर है। यह प्रणाली चिकित्सा निगरानी उपकरणों के साथ रोगी को वेंटिलेशन की सुविधा भी देती है। इसके अलावा यह हवाई परिवहन के दौरान कर्मचारियों और ग्राउंड क्रू सदस्यों में संक्रमण का जोखिम रोकने में भी सक्षम है। इसके साथ साथ इसमें जीवन रक्षक उपकरण भी मौजूद हैं। जीवन रक्षक उपकरणों में मल्टी पारा मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फ्यूजन पंप्स आदि शामिल होते हैं। इसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों को भी सुरक्षा के इंतजाम हैं। इसका डिजाइन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर किया गया है। भारतीय वायुसेना अब तक 7 अर्पित को अपने बेड़े में शामिल कर चुका है। 5 जून 2020 को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR और अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM ने आपसी हित के क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। CSIR इनक्यूबेटर अटल इनोवेशन मिशन के तहत इस नई परियोजना में विश्व स्तर के स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए काम करेंगे। साथ ही साथ नवाचार के नए मॉडल लाने और CSIR नवाचार पार्क स्थापित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। CSIR इस मुहिम में अपने मजबूत ज्ञान आधार से योगदान देगा और परियोजना को सफल बनाने के लिए विश्व स्तर के शोधकर्ताओं को उपलब्ध कराएगा। वहीं दूसरी तरफ अटल इनोवेटिव मिशन देश में अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देगा। जिज्ञासा और अटल टिकटिंग प्रयोगशालाओं के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से पूरे भारत के स्कूलों में समस्या निवारण माइंडसेट बनाए जाएंगे। जिज्ञासा एक छात्र वैज्ञानिक कनेक्ट प्रोग्राम है, जहां पूरे देश में 3 लाख से अधिक छात्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संपर्क में हैं। वहीं नीति आयोग ने अपने प्रमुख कार्यक्रम अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिकटिंग प्रयोगशाला नामक पहल की शुरुआत की थी। इसके तहत माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए CBSE के स्कूलों में प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बनाई थी। इसके तहत साल 2018 में अटल टिकटिंग लैब के लिए 3000 स्कूलों का चयन किया गया था। इसके साथ ही अटल टिकटिंग लैब की संख्या बढ़कर लगभग 5440 के करीब हो गई है। और अब अंत में आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं, जिनका सीधा सरोकार होगा आपकी परीक्षाओं से। महासागरी महत्व से रूबरू होने और महासागरों के बढ़ते प्रदूषण के खतरों और उनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष इस दिवस के लिए एक खास थीम रखी जाती है। इस साल इसकी थीम एक सतत महासागर के लिए नवाचार या इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन निर्धारित किया गया है। आपको बताते चलें, संयुक्त राष्ट्र संघ ने आधिकारिक तौर पर इस दिवस को मनाने की मान्यता साल 2008 में दी थी।
कन्नड़ फिल्मों के मशहूर अभिनेता चिरंजीवी सरजा का 39 साल की उम्र में निधन हो गया। चिरंजीवी ने साल 2009 में फिल्म वायुपुत्र से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। इनकी आखिरी कन्नड़ फिल्म एक्शन ड्रामा शिवार्जुना थी। हाल ही में दिल्ली के पूर्व कमिश्नर वेद मारवाह का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। श्री मारवाह झारखंड, मणिपुर और मिजोरम के राज्यपाल भी रह चुके थे। मारवाह 1985 से 1988 तक दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात रहे और 1988 से 1990 के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के तीसरे महानिदेशक के तौर पर भी काम कर चुके हैं। श्री मारवाह ने अनसिविल वॉर, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया नाम की पुस्तक भी लिखी थी। करदाताओं को सुविधा देने के लिहाज से सरकार ने SMS के जरिए GSTR 3B फॉर्म में शून्य GST मासिक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति प्रदान की है। इस सुविधा से 22 लाख से अधिक उन पंजीकृत करदाताओं को GST अनुपालन में काफ़ी आसानी होगी, जिन्हें अब तक इस साझा पोर्टल पर अपने खाते में लॉगिन करना पड़ता था और फिर हर महीने अपना रिटर्न दाखिल करना होता था, जो अब केवल एक SMS के माध्यम से ही शून्य रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। इस तरह से दाखिल किए जाने वाले रिटर्न की ताज़ा स्थिति को GSTIN खाते में लॉगिन करके ट्रैक किया जा सकता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने BS6 के वाहनों के लिए पंजीकरण के विवरण वाले मौजूदा स्टिकर के ऊपर 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली हरित पट्टी को लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह हरित पट्टी पेट्रोल या CNG वाहनों में प्रयोग की जाने वाली हल्के नीले रंग के स्टिकर और डीजल वाहनों में प्रयोग की जाने वाली नारंगी स्टिकर के ऊपर लगाई जाएगी। 1 अप्रैल 2020 से आदेशित BS6 उत्सर्जन मानकों में स्टिकर और स्वच्छ उत्सर्जन मानकों का प्रावधान किया गया है, जो दुनिया भर में अपनाए जाने वाले मानकों के समान है। तमिलनाडु की 13 साल की एम नेत्रा को यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस यानी UNADAP के लिए गुडविल अम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। दरअसल नेत्रा ने अपनी पढ़ाई के लिए बचाए गए 5 लाख रुपए से गरीब बच्चों की सहायता की थी। UNADAP के गुडविल अम्बेसडर बनाए जाने पर नेत्रा को दुनिया भर के नेताओं, राजनेताओं, शिक्षाविदों और नागरिकों से बात करने का अवसर मिल सकेगा। हाल ही में भारत के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। उन्हें यह पुरस्कार आलोचनात्मक विचारधारा और तार्किक बयानों के लिए दिया गया है। आपको बताते चलें कि इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को पाने वाले वह पहले भारतीय बन गए हैं। गौरतलब है कि रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार साल 2003 से उस व्यक्ति को दिया जा रहा है जो सार्वजनिक रूप से तर्कसंगत धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को बनाए रखने की उद्घोषणा करता है। भारतीय लेखिका कृतिका पांडे को हाल ही में एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने का ऐलान किया गया है। पांडे को यह पुरस्कार उनकी मशहूर कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए दिया गया। साल 2012 से राष्ट्रमंडल से अप्रकाशित सर्वश्रेष्ठ लघु कथा के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। आपको बताते चलें कि यह पुरस्कार एशिया, पैसिफिक, अफ्रीका, कनाडा, यूरोप और कैरिबियन के 5 क्षेत्रीय विजेताओं को प्रदान किया जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।